विकास खंड की ग्राम पंचायत काजबी के गांव लाला रूड़ी में प्राथमिक स्कूल भवन तो है, लेकिन बच्चे किराए के मकान पर पढ़ाई कर रहे थे। यहां पर कुल बच्चों की दर्ज संख्या 57 है, जिनको पढ़ाने के लिए एक शिक्षक और एक अतिथि शिक्षक कार्यरत है। वहां पर मौजूदा ग्रामीण महिलाओं से पूछा कि यह बच्चे यहाँ पर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया, इस स्कूल को एक बार गौर से देख लो। तब हमने स्कूल के अंदर जाकर देखा तो पूरी स्कूल पर बड़ी बड़ी दरारें चल रही थी, एक छत से सरिये बाहर आ गए थे। ऐसे में कैसे बच्चों को अंदर बिठाकर पढ़ाई करवाई जाए, क्योंकि यह तो बहुत बड़ी दुर्घटना का अंदेशा है। कभी भी यह स्कूल धराशायी हो सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि हमने कई बार आवेदन दे दिया है हमारे गांव में स्कूल का नवीन भवन बनाया जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब कोई हादसा हो जाएगा तभी प्रशासन जागेगा। यह लगभग 20 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है जो आज जर्जर हो चुकी है। मजबूरन शिक्षकों को किराए का मकान लेकर बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। स्कूल की छत के ऊपर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी की निकासी के लिए छत में छेद कर एक पाइप से बाहर पानी निकाला जा रहा है। पूरी स्कूल पानी से भीग रही है, लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ग्रामीण नारायण बा का कहना है कि अभी तक हमने कलेक्टर, सांसद, विधायक, यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन तक हमारी भवन के लिए शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है। ग्रामीण लालचंद डामर व नारायण डामर का कहना है कि हमने वर्ष 2020 से नए स्कूल भवन के लिए मांग कर रहे हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पेटलावत से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। बस बस ठीक है।